Hello friends, I am Ajinder Rana. Welcome to my channel TPT Rhymes. Today's topic is about the chapter optics. और इसमें हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है TIR, that is total internal reflection, L for line, total internal reflection and the concept of critical angle. और critical angle का सबको समझने की कोशिश करेंगे. इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं. एक तो ये है कि जब भी आपको TIR के बारे में डिस्कशन करना है तो पहली कंडीशन कि जो लाइट है वो denser to rear की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए, और दूसरे आपका इंसिडेंट एंगल जो इंटरफेस पर पड़ता है, दैट इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल. वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए. ओके, सो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. स्टे विद अस, हम अभी वापस आते हैं. वेलकम बैक. तो हम शुरू करते हैं इसको. ये कंसेप्ट हम बहुत पहले से जानने की कोशिश कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, इट कुड बी वाटर और एयर, रिलेशन बिटवीन वाटर एंड एयर, इट कुड बी दिस. सो अगर मैं यहाँ से लाइट रे को तो वो जो नॉर्मली लाइट फॉल करती है वो तो सीधी निकल जाती है. और ये हमने देखा कि इफ अ लाइट फॉल्स एट सम एंगल आई, इट गेट इट बेंट अवे, मूव्स अवे द नॉर्मल. ओके, और ये भी हम देखते हैं कि जैसे मैं इस आई को बढ़ाऊंगा वैसे ही ये बेंडिंग और बड़ी हो जाएगी. लेट बी आई वन, आई टू, देन आई मूव फर्दर, this is like I3, और एंड अ पर्टिकुलर केस व्हाट आई सॉ, मैंने ये देखा कि वो इतनी बेंड हो गई लाइट के सरफेस के साथ ही आ गई, वो सरफेस के साथ ही पहुंच गई. यहां इस बात का ध्यान रखेंगे दैट एंगल I इज लेस देन एंगल I1, इज लेस देन एंगल I2, इज लेस देन एंगल I3, इज लेस देन एंगल I3. और फिर मैंने सोचा कि चलो यार I3 है, इससे थोड़ा सा बड़ा लेकर देखें. When I goes this and what I see, मैंने क्या देखता हूँ कि जो लाइट यहाँ टकराती है वो बाहर जाने की बजाय अपने ही मीडियम में वापस आ जाती है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें मिनिमम एनर्जी लॉस होता है. आई कैन से आप ये कह सकते हो बहुत ही कम, नेगलिजिबल है ही नहीं. जितनी एनर्जी लेके चली उतनी एनर्जी लेके वापिस अपने मीडियम में आ, उतने जिले के ऑब्जर्व मीडियम है. अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी पार्क में जिसमें नीचे लाइट्स लगी होती है ना, वाटरफॉल्स में नीचे, वो फाउंटेन्स में सॉरी नीचे वो लाइट लगी होती है, जब आप उनको देखते हो तो कई बार आप दूर खड़े होकर देख रहे हो तो आपको पता नहीं चलता कि वहां कोई लाइट है नीचे उसमें, फिर आप उसके नजदीक जाने लगते हो. बिकॉज जब आप यहाँ खड़े हो, आप क्या यहाँ है तो यू कांट सी, क्योंकि यहाँ जो लाइट पहुंच रही थी वो अंदर ही आ गई है. थोड़ा यहाँ है तो भी नहीं मिल पाई आपको, पर यहाँ आके आपको लगा कि सरफेस ग्रीन है. यहाँ अगर आप सरफेस ग्रीन है फिर आप थोड़ा सा आगे गए तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ तो है लाइट, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ देखते ऊपर से तो कुछ नीचे वो है. सो ये फिनोमेना जो है ये TIR के कारण हो रहा है. और बहुत सारे फिनोमेना, 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा मिराज है, और बहुत सारे हैं, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, वो भी इसमें बनता है. सो ये इस तरीके से, सो इसमें जो मेन कंसेप्ट आता है वो ये कि क्रिटिकल एंगल क्या है. वो एंगल जिस एंगल पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि जब आपका R 90 डिग्री हो गया तो उस वक्त जो आपका इंसिडेंट एंगल जो हमने I3 लिया है, that becomes the critical angle. तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो स्नेल्स लॉ ये कहेगा मुझे कि लेट इट बी वाटर एंड लेट इट बी एयर, कि म्यू ऑफ वाटर इनटू साइन ऑफ I3 इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ R. साइन ऑफ आर इस कंडीशन की हम बात करें I3 वाले केस की. सो म्यू ऑफ वाटर, I3 तो क्रिटिकल एंगल है, इज साइन ऑफ सी, इज साइन ऑफ सी, एंड म्यू ऑफ ए इनटू आर इज 90, साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 इज 1, साइन ऑफ 90 इज 1. सो म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर इज 1 अपॉन साइन सी,
one upon sin c. From that I can conclude, from that thing I can conclude that 1 upon sin c, 1 upon sin c is refractive index of water with respect to the air. With respect to the air, it is the relation of critical angle with the refractive index. Critical angle with the refractive index. ठीक है, carefully ये ध्यान रखिएगा ये बात कि आपको R 90 लेना है, आपको R 90 लेना है, ठीक है, for the critical angle. और अगर आप TIR चाहते हैं, आपने कहा I need TIR, तो first of all you should move from denser to rarer medium. You need to move from denser to rarer medium. Second condition, your incident angle must be greater than equal to the critical angle. Must be greater than equal to the critical angle. Such kind of expressions depends on Snell's law. They depend on Snell's law. Snell's law आते हैं तो आप easily कर पाएंगे. और Snell's law के कई तरीके हैं. ये ज़्यादा better. ज्यादा बेटर है. आप पुरानी वीडियोस में देखेंगे ना, स्नेल्स लॉ बताया गया होगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. जो रेशियो वाला स्नेल्स लॉ होता है वो रेशियो में याद करना हमें मुश्किल हो जाता है कि किसकी रेशियो कहां लिखनी चाहिए. ये बेटर वे डेरिवेशंस को याद रखने का और करने का. सो ये न्यूमेरिकल भी बड़ा काम आता है और ये 1 या 2 मार्क्स में आपको सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है. ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, उसके ऊपर केस आ गया कि हम कैसे उसको डायमंड जब वो उसकी कटिंग की जाती है 24.2 डिग्री कुछ ऐसे एक एंगल होता है उस पे. फिर आपके मिराज के केस में भी ऐसा ही होता है. ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, आप उन्हें रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सबके लिए वो आसान हो जाएगा. ओके, सो ये हुआ आपका TIR और क्रिटिकल एंगल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.